गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। कहते हैं कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो, वह सागर के पार गया। एक्चुअली में है क्या कि इस अभी आगे जो आपका एग्जाम होना है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है, इसमें बहुत सारे वैसे स्टूडेंट भी अपियर हो रहे हैं जिनका किसी न किसी कारणवश पिछले एग्जाम में, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, पिछले ग्रुप डी का एग्जाम हो, या पिछले आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें कुछ मार्क्स से जिनका फाइनल नहीं हो पाया, तो उन्हीं के लिए मैंने ये छोटा सा शायरी बोला था। तो बिल्कुल ये सीख लेने वाली बात है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहे और पीछे का जो भी आपका खट्टा मीठा अनुभव रहा है उसको आप अगर दूर करने में सफल रहते हैं तो गारंटी है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। और हमको पूरा विश्वास है कि अभी जितने भी स्टूडेंट जिनका आगे एग्जाम है, पूरा तन मन धन से पूरी तरीके से लगे हुए हैं और दिन रात एक करके पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो उसी एग्जाम की कड़ी में एक महत्वपूर्ण इशू को लेकर के आपके सामने आया हूं, क्योंकि बहुत बच्चे लगातार हमसे पहले ये क्वेश्चन करते थे कि सर लास्ट मोमेंट में कुछ उस तरह की बुक्स का नाम बताइए या उस तरह का तरीके का बुक्स लाइए जो कि हमारे रिवीजन के लिए हो, जो भी एग्जाम है उसके रिवीजन के लिए हो। तो उसी कड़ी में आप देखेंगे एक अभी इस पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं, करेंट एग्जाम इन फोकस। जैसा कि आपको शीर्षक से ज्ञात है, ये स्पेशल ऐसा बुक्स लाया गया है प्लेटफॉर्म के द्वारा रुक्मिणी पब्लिकेशन से कि आगामी करेंट एग्जाम को ध्यान में रख करके, जो 1 महीने के बाद होना है, 2 महीने के बाद होना है, 3 महीने के बाद एग्जाम होना है, उसी को ध्यान में रख करके उस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है करेंट एग्जाम इन फोकस। अगर इस बुक्स के खासियत की बात करें, इस बुक्स के विशेषता की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट इसका पेज हम एक अपलोड किए थे, उस पर नीचे में कमेंट किए थे कि सर इस बुक्स में क्या क्या मटेरियल है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग को बताया जाए जिससे कि हम लोग के लिए बुक उपयोगी साबित हो। तो उसी कड़ी में अगर इस पर हम डिटेल जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले कि इस बुक्स में ये पहला पेज जो हमारा आया इसमें देखेंगे टेस्ट सीरीज, और इसका नाम दिया हम स्कोरअप, ये स्कोरअप करके एडिशन दिए हैं टेस्ट सीरीज का। इसमें करेंट जितने भी एग्जाम्स होने हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैक्सिमम बच्चे एक दूसरे एग्जाम में कॉमन रहते हैं, उसी को पूरी तरीके से हमने फोकस करने का प्रयास किया है। और इस कड़ी में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड, चूंकि सबसे मुख्य एग्जाम इसमें है, 2,40,00,000 अप्लीकेंट इसमें है, तो सबसे पहले फोकस में हमने रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को रखा है। अगर इसमें देखा जाए तो रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 यानी सीबीटी परीक्षा सेट 1 और सेट 2, 2 सेट इसमें दिए हैं हम रेलवे एनटीपीसी के लिए। इसके अलावा 2 सेट इसमें रेलवे ग्रुप डी का दिए हैं लेवल 1 का। तो 4 सेट कंप्लीट फुल सिलेबस का इसमें आपका आ जाएगा वॉल्यूम 1 में। और जब इसका सेट आप बनाएंगे तो इसमें ये पाएंगे आप कि रियल एवोल्यूशन जो आपको हर सेट में कितने पे हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये भी हम इसमें ऐड करने का प्रयास किए हैं, जो कि इस मैगजीन का सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसमें देखिए, इसको हम 4 से 5 कैटेगरी में बांटे हैं, जो भी ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम दिए हैं कि एक सेट में इस तरीके का रहेगा, दूसरे सेट में इससे थोड़ा भैरी करेगा स्कोर, क्योंकि इसमें हम क्या किए, एक पैनल स्टूडेंट का बनाए, 10 से 15 स्टूडेंट का, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, पहले उनके बीच ये सेट हम दिए कि आप पहले इसमें हमको सेट बना के बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। इसमें सारे वैसे बच्चे को हम सम्मिलित किए कि जो कि पिछले बार रिजल्ट दिए हैं, जिससे कि आप खुद इसके कैटेगरी से पता चल जाए कि आपका स्तर क्या है, आपका इसमें क्या पोजीशन है। इसको हम 4 से 5 भाग में बांटे हैं, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री और नीड्स इंप्रूवमेंट। एक्सेलेंट जो एक पहला सेट आप बनाइएगा, अगर उसमें 75 से 80% मार्क्स ला पाइएगा, 75 से 80% का मतलब है ये सेट थोड़ा सा आसान है, अगर आप 75 से 80% ले आइएगा तो 100% गारंटी है कि मैक्सिमम संभावनाएं रहेगी कि आपका रिजल्ट होना तय है। उसी तरह से गुड, 70 से 75% लाइएगा
तब भी आपका रिजल्ट हो सकता है, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये आपको ऊपर भेजेगा ही भेजेगा। इसी तरह से एवरेज 60 से 70% अगर ला रहे हैं तो एक एवरेज है, एक दो चार नंबर और आगे बढ़ा लीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। उसी तरह से सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक है 55 से 60% पर, और नीड्स इंप्रूवमेंट 50 से 55%। अगर आप 50 से 55% या इससे कम लाते हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये पार्टिकुलर सेट के लिए, और ये वेरिएशन सेट बाय सेट आपका होता चला जाएगा। रेलवे के बाद अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो बिहार दरोगा का फॉर्म भरे ही होंगे, उसका आगे पीटी एग्जाम होना है, एक सेट उसका दिया हुआ है, उसका आगे मेन एग्जाम होना है पिछले वाले का तो एक सेट उसका दिया हुआ है, इसके अलावा बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक इसका भी आगे एग्जाम होना है तो एक सेट इसका दिया हुआ है। सारे सेट इस तरह के इसमें हम दिए हैं कि कॉमन स्टूडेंट एक दूसरे में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो एसएससी जो अभी आगे चलकर के एसएससी का टाइप 2 एग्जाम होना है उसका देखिए पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, उसके बाद पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन इसका भी एक सेट कंप्लीट दिया हुआ है। इसके अलावा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा उसका एक सेट दिया हुआ है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करती है अभी प्लस 2 लेवल का मेन एग्जाम होना है उसका सेट दिया हुआ है। इसके अलावा बीपीएससी का जो प्री एग्जाम होना है उसका सेट दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का भी इसमें सेट दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा सेट इसमें 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12 कुल मिला के 12 फुल सिलेबस का टेस्ट और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ उसका स्कोर ऑफ कार्ड ये तीनों सहित दिया हुआ है। इससे बेहतर नहीं हो सकता है। हमारा जो अपना 20 साल का अनुभव है सारा अनुभव इसमें हमने पिरोने का प्रयास किया है। आप एक बार सेट बनाइएगा या बुक लीजिएगा तो आपको स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो और देखेंगे आप कि दूसरा इसका है कि सुपर सेलेक्टिव रिमाइंडर, जैसा कि आपको नाम से ज्ञात है रिमाइंडर यानी कि रिमाइंड करने के लिए, यानी कि अब तक जो आप तैयारी किए हैं लास्ट मोमेंट में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप बेहतर रिवीजन कर पाए, जैसे कुछ मैगजीन में आता था सार संग्रह, जस्ट वही चीज ये है, इसका रिमाइंडर नाम दिया गया है। और इसके माध्यम से आप एक बार हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके अलावा फिजिक्स का न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, इसके अलावा कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन पूछता है तो ये भी एक पेज दे दिया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी या चिकित्सा प्रौद्योगिकी, आजकल हेल्थ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, कला एवं संस्कृति है, परंपरागत सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा स्टेट लेवल बिहार विशेष करके है, खगोलिकी है, खेल जगत है, यानी कि लगभग जितने भी इश्यूज आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है जितने भी इशू से लगभग सारे को इसमें हमने ऐड करने का प्रयास किया। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि टेस्ट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म का एक मुख्य विशेषता था कि एक हम लोग यहाँ क्विज टेस्ट लेते थे 20 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। अभी भी आप YouTube पर भी इसका फ्री क्लास कुछ दिन चला था तो आपको सबको पता होगा 20 सेट में 20 मिनट का टाइम दिया जाता था और तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता था। और जो भी करंट एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूछा जाना था सारे क्वेश्चन उसी तरह का इसमें हम डालते थे। तो जस्ट एक तरीके से जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन का एक सेट दे दिए हैं कि इसके माध्यम से भी आप कंप्लीट खुद का रिविजन कर सकते हैं, आगामी एग्जाम का रिविजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितना ज्यादा बुक को हमने उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो हम अपने तरफ से बोल रहे हैं लेकिन रियल एवेल्यूशन इसका तब होगा जब इस बुक को लेकर के खुद से एक बार मेरे कहने पर देखें और अगर इसका फायदा समझ में आता है तो अपने आप आगे आप इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आप देखिएगा नहीं तो ये बातें समझ में कैसे आएगी। तो हम अपने हिसाब से तो हमने पूरा प्रयास किया है कि लास्ट मोमेंट के लिए सबसे बेहतर बुक आपको हम उपलब्ध करा सकें रिवीजन के लिए। तो और सबसे और इसके बाद हम अपने पूरी टीम को जिन्होंने इस बुक को लॉन्च करने में, इस बुक के मटेरियल कलेक्ट करने में अथक प्रयास किया, पूरा का पूरा मेहनत किया है, तो प्लेटफॉर्म के तरफ से हमारे तरफ से उनको
ढेर सारा मुबारकबाद, और सबसे ज्यादा हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस तरीके का डिमांड हमसे किया था, जिससे प्रेरित होकर के हम ये बुक आज लाने में आपके सामने सफल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, ये तो वॉल्यूम वन है, इसके बाद वॉल्यूम टू आएगा, वॉल्यूम थ्री, ये श्रृंखला लगातार हम कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी इस मामले में होगा, कि अब तक बहुत बेहतर तरीके से आप सब दिन हमको सहयोग करते रहे हैं, और आशा करते हैं कि आपके और ज्यादा सहयोग की आशा रहेगी इस रूप में कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि और ज्यादा कैसे इस बुक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमको हमारा प्रयास होगा कि आप इसमें कोशिश करके हमारी कमियां निकालें कि सर यहाँ पर आपका ये फॉल्ट रहा इस बुक में, तो आगे से निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, और आपके द्वारा जो सजेशन आप देंगे उस कमी को हम दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे कि वो कमी दूर करके हम अपने आप को बेहतर साबित कर पाए। तो चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि इस बुक को अच्छे से आप देख करके कुछ ना कुछ YouTube पर आप कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि और हम बेहतर कर सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।